हेलो फ्रेंड्स, आपका अब एक फिर जो है स्वागत है। मैं अभय, आज मैं आप लोग के लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं पेट शॉप के हर एक टॉपिक के ऊपर, कि पेट शॉप खोलते समय हम लोग क्या क्या चीज़ें, लोकेशन कैसी होनी चाहिए, रूम कैसा होना चाहिए, कितना मिनिमम कॉस्ट क्या होनी चाहिए हम लोग की पेट शॉप खोलने के लिए, डेकोरेशन कैसे करना है, इन सब सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग चर्चा करें। क्या क्या फीड हम लोग, क्या क्या सप्लीमेंट हम लोग को रखना चाहिए, क्या क्या नहीं रखना चाहिए, इन सब के बारे में चर्चा करूँगा आज इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। जैसा कि मेरा नाम जानते हैं कि मेरा नाम अभय है और अपना पेट फॉर्म है और क्या नाम है पेट शॉप भी है और हॉस्पिटल का भी काम चल रहा है। तो चलिए आज आपको उस पेट शॉप के बारे में बताता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हो सके तो क्लिनिक के बारे में, नहीं तो अदर प्रोडक्ट के बारे में आपको ये सारी डिटेल आपको दी जाएंगी अपने इस चैनल पर। चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं लोकेशन के ऊपर, कि हम लोग को लोकेशन कैसी रखनी चाहिए अपने पेट शॉप की। हम लोग को लोकेशन ऐसी रखनी है जहाँ पे अपने जो कस्टमर हैं उसको आसानी से लेके आ सके, अपने उस लोकेशन पे आराम से पहुँच सके। वो चीज़ें ऐसी हों पब्लिक प्लेस से थोड़ा हटके हों, ये नहीं मैं कह रहा हूँ मेन मार्केट में हो जहाँ पे डॉग है सारे लोग डिस्टर्ब हों, ऐसा कुछ ना हो, ऐसा जगह हो थोड़ा मार्केट से हटके भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हाँ वो जो रोड हो वो रनिंग रोड हो, लोग आते जाते हों, बाहर थोड़ा सा स्पेस हो डॉग को रोकने के लिए, या आपके शॉप के बाहर थोड़ा सा स्पेस हो कि जहाँ आप डॉग को पहुँच सकें या जितने भी आपके पेट्स आते हैं उनको आप वहाँ रख सकें। और अंदर जैसे वैक्सीन मतलब कोई भी सामान कोई लेने के लिए आता है, कुछ भी लेने के लिए आता है, तो फिर वो चीज़ें आप उसको प्रोवाइड करा सकें आसानी से, कस्टमर आराम से आ सके उस लोकेशन पे, ऐसी जहाँ आपका शॉप होना चाहिए। और शॉप की जो एरिया के बारे में दूसरा चीज़ होता है, हम लोग क्या एरिया कितना लेना चाहिए एक पेट शॉप खोलने, कितना बड़ा एरिया चाहिए, तो वो डिपेंड करता है अपने शॉप को किस तरह कितना बड़ा किस स्तर पर खोलना चाह रहे हैं। नहीं तो 10x10 का रूम भी बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल बहुत सारे प्रोडक्ट रखने की आवश्यकता नहीं है आपको, आपको वो प्रोडक्ट रखनी है जो ज़्यादा रनिंग में हो और आपके एरिया वाइज ज़्यादा बेटर हो, उस पर मेन चीज़ वो रखने हैं हमें। और प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग आते हैं, तो प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बता ही दिया कि फिर वही चीज़ें आपको रखनी है जो ज़्यादा रनिंग में हो, जो आसानी से आपके कस्टमर के डिमांड, जैसे आपको मान लीजिए आप कोई पेट्स पाले हैं तो आपको पता होगी कि अब हमारे पेट्स को क्या क्या चीज़ों की नीड होती है, तो इस हिसाब से आपको अपने यहाँ प्रोडक्ट को रखना है। और कुछ एक्सेसरीज हुए, सप्लीमेंट हुए, जो एक्स्ट्रा थोड़ा होना चाहिए आपके पास अदर चीज़ों की अपेक्षा, जो आपके नॉर्मल ज़्यादा यूज में आते हैं, जैसे मल्टी विटामिन हो गया, कैल्शियम हो गया, लीवर टानिक हो गया, डिवार्मिंग की दवाई हो गई, लूज मोशन की दवाई हो गई, वॉमिटिंग की हो गया, ये सब सारी चीज़ें आपके पास डिपेंड होना ही चाहिए हर हाल में। इन सारी चीज़ों से होने से आपको जो कस्टमर आपके पास आ रहा है उसको बहुत ज़्यादा जो है भटकना नहीं पड़ेगा, चीज़ें आप आराम से आसानी से प्रोवाइड करा सकते हैं उसको, वो चीज़ें उसको आराम से मिल जाएंगी तो फिर कोई दिक्कत आएगी नहीं। और मान लीजिए आप कहीं पप सेलर भी हैं साथ में, तो आपको तो सारी चीज़ें पता ही होंगी कि आपके बच्चे कहीं का, आप खुद बच्चों को फीडिंग करा रहे हैं, सारी चीज़ें रख रहे हैं, तो उससे कोई दिक्कत, कहीं आप नए हैं कि आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे यहाँ डॉग की डिमांड ज़्यादा है, चलिए मुझे पेट शॉप एक खोलना चाहिए, मैं एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ भी पेट शॉप डाल के, मतलब पेट फूड शॉप जिसे हम लोग कहते हैं, नॉर्मल उसको पेट शॉप कहा जाता है लेकिन उससे सही से उसको पेट फूड शॉप कहा जाता है, जहाँ सप्लीमेंट हो गया, एक्सेसरीज हो गया और फूड मिलता है, वहाँ पेट्स की सेलिंग नहीं होती है। तो ये पेट फूड शॉप जो होता है उसको हम लोग खोल सकते हैं। तो आपको लगता है हाँ इससे ये बिज़नेस करने लायक है, तो आप इस पर आइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आप नॉलेज ले लीजिए, जैसे आपको क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या एरिया आपका क्या है, सारी चीज़ें इसके बारे में एक डिपेंड आप थोड़ा सा अपने एरिया का सर्वे कर लीजिए कि आपके यहाँ कि डॉग कितने हैं, कितने लोग पालने वाले, ऐसा नहीं कि आप पेट शॉप खोलें आपके उधर कहीं डॉग ही नहीं है, आसपास के 10-20 किलोमीटर के एरिया में कोई डॉग पाला ही नहीं है, एकदम गांव एरिया में आप खोल रहे हैं, तो फिर आपको दिक्कत आएगी ना कि जब कस्टमर ही नहीं, मतलब आपके पास पेट्स खरीद, मतलब किसी पर डॉग है ही नहीं, तो आदमी आपके पास आएगा क्यों, सामान लेगा क्यों, खिलाएगा क्या, ये सारी चीज़ें आएंगी ना। तो ये सारी चीज़ थोड़ा सा आपको अपने मार्केट के बारे में सर्वे करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, कि आप अपने मार्केट के बारे में थोड़ा सा सर्वे कर लीजिए, कितने डॉग आपके मार्केट में है और या कितने पेट शॉप, मतलब कितने फॉर्म है आपके एरिया में, कितने लोग पप्स को सेल करते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें आपको कहीं पता कि आपके एरिया में शॉप मतलब ये जो पप्स को सेल करते हैं वो ज़्यादा है या ब्रीडर ज़्यादा है आपके एरिया में, तो आपका पेट शॉप नॉर्मल ही बहुत अच्छे से ग्रो कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपने शॉप में क्या क्या सप्लीमेंट और सारी चीज़ों के बारे में रखना पड़ेगा। तो चलिए आपको जो नेक्स्ट वीडियो हम लेके आ रहे हैं उस वीडियो में आपको सिर्फ बात हम लोग की जो चर्चा होगी वो सिर्फ सप्लीमेंट पे और क्या नाम है पेट मतलब फूड पे और एक्सेसरीज पे, इन सब चीज़ों को आपको सारा चीज़ लाइव दिखा के हाँ और उस पर चर्चा की जाएगी, आपको क्या क्या मतलब स्टार्टर में कौन से स्टार्टर आपको रखना चाहिए, या मल्टी विटामिन, कैल्शियम, लीवर टॉनिक,
डिवार्मिंग की दवाई में क्या क्या रखना चाहिए, और एसेसरीज जो आती हैं उसमें क्या नाम हट्टा पट्टा चैन बेल्ट और क्या नाम लीज, ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन सारी चीज़ों को कैसे रखना है, किस क्वांटिटी में आपको बाई करना चाहिए, क्या आपको हो सकता है कि अच्छी मार्जिन अच्छा वो मिल सके, तो उन सब चीज़ों के बारे में एक हम लोग राउंड फिगर एक चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई इस वीडियो को देखने के लिए।